हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं कुछ कोलियस की कटिंग लगाने वाली हूँ। बहुत ख़राब से हो गए हैं प्लांट, आप देख सकते हैं, और काफ़ी पता ही नहीं कि कहाँ पे लगा हुआ है प्लांट। छोटे से ग्रो बैग में लगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं इनको कटिंग लगा करके नए प्लांट तैयार कर लूँ। तो ये भी कटिंग से ही लगे थे, मैंने इनको रिपोर्ट भी नहीं किया। देखिए प्योर सैंड में लगे हुए हैं, कुछ थोड़ा सा पेस्ट अटैक भी हो गया है। तो बस कटिंग लगा करके मैं इनके न्यू प्लांट तैयार करूंगी ताकि देखने में खूबसूरत लगे, क्योंकि ऐसे ख़राब दिखने लगते हैं ये। तो चलिए हम यहाँ से कटिंग लेते हैं। तो ये ऐसे ही टूट जाती है, देखिए कितनी हेल्दी सी कटिंग है, लेकिन नीचे का जो स्टेम है वो अच्छा नहीं दिख रहा है। तो इसी तरह से इसकी भी कटिंग ले लूँगी। ये बहुत ही सुंदर सा प्लांट है, थोड़ा सा पेस्ट अटैक इसके नीचे के प्लांट में हुआ है। आप किसी सीजर से भी कट कर सकते हैं, या तो फिर ऐसे भी तोड़ के। ये देखिए वाइट कलर के मिली बग्स लगे हुए हैं, तो इनको हम रिमूव कर देंगे यहाँ से। और नीचे की ब्रांच में ज़्यादा लगे हैं, ऊपर ऊपर में कम लगे हैं, मतलब एक दो ही लगे हैं, तो उनको हम हटा देंगे वहाँ से। और इस तरह से कटिंग हम अपनी लगा लेंगे। तो अभी आप भी कर सकते हैं, क्योंकि समर में ये बहुत अच्छे से चलते हैं, हर सीज़न में चलते हैं, पर इनकी नई नई कटिंग आपको तैयार करते रहनी है। नई नई कटिंग तैयार करेंगे तभी अच्छे प्लांट हेल्दी ग्रो होंगे, नहीं तो ये देखने में ख़राब दिखने लगते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे प्लांट हैं, बाकी मैं जो एक्स्ट्रा प्लांट है ना आज सारे ही हटा देने वाली हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा हुआ है आज, देखिए मैं पूरा, आप देख रहे हैं मेरा गार्डन यहाँ पे। आज मैं पूरा थोड़ा सा सेटअप न्यू तैयार कर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा मतलब सुंदर दिख रहा है। अभी तो नहीं दिख रहा है लेकिन दिखेगा आने वाले टाइम में। वो देखिए मैंने अपना सेटअप थोड़ा सा तैयार किया है, सामने दिखा दे। तो थोड़े से ईंटों की मैंने ऊँचाई बढ़ा दी है, हाइट बढ़ाने की वजह से नीचे जो पार्ट है वो गैप हो गया है, तो वहाँ से मुझे झाड़ू लगाने में आसानी होगी। तो ये काम मैं आज सुबह से कर रही हूँ, लगभग 10 बजे से मैं ये काम शुरू कर रही हूँ और शाम के 4 बजने वाले हैं। तो अभी तक पूरा काम मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा सामान फैला है। तो मैं सोच रही हूँ जितने भी एक्स्ट्रा ये फालतू के प्लांट लगे हुए हैं बहुत सारे, तो कोलियस भी बहुत सारे मैं हटा देने वाली हूँ। और यहाँ से देखिए जितनी भी अच्छी अच्छी कटिंग है उनको हम ले लेंगे, बाकी हम यहाँ से सारे प्लांट हटा देंगे कट करके। तो वही मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर। देखिए इसमें मिली बग का बहुत ज़्यादा अटैक हो गया है, तो ये मैं सारे यहाँ से हटा दूँगी निकाल करके। और जो भी प्लांट देखिए इसके भी हैं, ये देखिए सारे इस तरह से लेगी लेगी से हो गए, पतले पतले से, लंबे लंबे से। तो ये सारे हम ऊपर की टिप ले करके और नीचे के सारे प्लांट को हटा देंगे। देखिए पूरे मैं सैंड में ही इनको लगा रहने देती हूँ, और सैंड में बहुत अच्छे से चलते रहते हैं। तो मैं रिपोर्ट वगैरह भी नहीं करती हूँ, बार बार कौन इतना झंझट करेगा। तो कुछ टाइम के बाद ये प्लांट हमारे ख़राब होने लगते हैं, तो हम इनको इस तरह से हटा करके नए प्लांट अपने तैयार कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सारे प्लांट आज मैं यहाँ से हटाने वाली हूँ, और कुछ कटिंग इसी में लगा दूंगी। इसमें नहीं लगाऊंगी, इसमें मैं अपना एडेनियम का प्लांट लगाऊंगी। तो ये मेरा पॉट भी खाली हो गया है, और किसी दूसरे पॉट में लगाऊंगी। इनको मैं सोच रही हूँ अभी लगा रहने दो। इधर देखिए ग्लास इसमें लगे हैं, बहुत सारे प्लांट वैसे ही मैंने निकाल लिए हैं, कुछ ग्लास में लगे हैं। तो ग्लास में नहीं लगाऊंगी कटिंग, अब मैं ग्लास में फिर संभालने में दिक्कत होती है, इधर उधर लुढ़कते रहते हैं। ग्लास के सारे प्लांट मैं आज हटा देने वाली हूँ यहाँ से। तो एक पॉट तो ये है, देखिए एक सोच रही हूँ इसमें लगा दूँ कुछ कटिंग। इसमें मिट्टी भरी है, इसकी मिट्टी हटानी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा गंदी सी मिट्टी, मतलब बहुत ही कीचड़ सी मिट्टी दिख रही है। और एक प्लांट को मैंने किसी गमले से निकाल के रखा था, ये देखिए ये दो महीने से ऐसे ही रखा हुआ है, किसी गमले को खाली किया था तो इसके बास्केट में ऐसे ही रख दिया था। तो ये यहाँ पर ऐसे ही जिंदा पड़ा हुआ है, अच्छा है। तो इसमें तो नहीं लगाऊंगी, इसके साइड में किसी दूसरे टिप में ले लेती हूँ, और इसी में ले लूँगी ये वाले पॉट में। तो देखिए कि मैं वेस्ट जो केन होती है ऑयल की, उसको मैंने लिया हुआ है। और इस तरह से देखिए कटिंग है, तो इसमें देखिए 3 ब्रांच है, और मैं इसी तरह से इनको लगा दूँगी। तो आप चाहे तो नीचे एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं, नहीं लगाते तो भी कटिंग हमारी बहुत ही आसानी से चल जाती है। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं कटिंग से लगे हुए, और रिपोर्टिंग वगैरह करने का भी झंझट नहीं रहता है, बस आप लगा दीजिए। तो ये पत्ते देखिए कितने गंदे गंदे से हो गए हैं, तो इनको हम थोड़ा सा हटा देंगे जो भी पत्ते ख़राब से हो रहे हैं। और थोड़ा सा जो न्यू ग्रोथ होगी वही अच्छे आएंगे, अभी सब में फूल भी बनने शुरू हो गए थे। तो देखिए इस तरह से एक या दो नोड होने चाहिए नीचे कटिंग में, ये देखिए इस तरह से लगा देंगे। और भी कटिंग ले लेते हैं हम यहाँ से, और भी दूसरे प्लांट की। इन्हें मिली बग का अटैक बहुत जल्दी होता है, अगर आप पुराने प्लांट को नहीं हटाएंगे ना तो मिली बग बहुत जल्दी अटैक करता है, तो इसलिए आप इनकी कटिंग को हमेशा लगाते ही रहा करिए, तो आपके पास हमेशा ही बने रहेंगे प्लांट। देखिए तो देखिए इतने प्लांट मैंने इसमें लगा दिए, और 2-3 ग्लास में भी लगा दिए। देखिए 3 कटिंग मैंने इसमें लगा दी है, और इसमें भी लगा दी मैंने, कुछ कटिंग लगा दी है। देखिए सैंड में लगाई, प्योर सैंड में लगाई है, और इनमें लगे हुए थे प्लांट, देखिए इस तरह से लगे हुए थे, मैंने ऊपर की टिप कट करके और उनको हटा दिया है सबको। यहाँ पे देखिए बहुत सारे प्लांट निकाल के रखे हुए हैं, और ये देखिए नीचे नीचे का मैंने सब कट करके हटा दिया है, और ऊपर ऊपर की टिप ले करके मैं लगा रही हूँ।
तो काफ़ी अच्छा दिखेगा। और इसको मुझे किसी बड़े थोड़ा पॉट में लगाना पड़ेगा क्योंकि इसकी ब्रांचेस बहुत सारी निकली हुई हैं और थोड़ा आड़ी तिरछी जा रही है कटिंग। तो इस समय आप कोलियस को लगा सकते हैं। जैसे ही आपका विंटर गार्डन मतलब एक तरह से ख़त्म होगा, तो पत्तों वाले प्लांट हैं ये नए नए, इनको हर सीज़न में आपको तैयार करते रहना पड़ता है। आप विंटर में भी तैयार करें, समर में भी तैयार करें, रेनी सीज़न में भी तैयार करें, तो हर सीज़न में जब आप इसको तैयार करते रहते हैं तो क्या होता है, नए नए प्लांट आपके गार्डन में बने रहते हैं। देखिए थोड़ा सा प्लांट टेढ़ा है तो सेप नहीं मिल रही इसकी, और ये काफ़ी बड़ा सा कटिंग भी है। मुझे इसको किसी दूसरे में लगाना पड़ेगा थोड़ा बड़ा सा पॉट लेकर के। अब इसमें लगाऊंगी तो ये पूरा इसी को कवर कर लेगा, नहीं आ तो जाएगा इसमें भी अच्छे से। तो चलिए मैं इसी में लगा देती हूँ, कहाँ ढूंढूंगी दूसरा पॉट। तो इसको थोड़ा सा यहाँ से हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा ब्लेड से शार्प कट कर लिया है ताकि अच्छे से यहाँ पर एडजस्ट हो जाए। इसने पूरे को कवर कर लिया। मैं सोच रही हूँ इसमें ना लगा के मैं इसको अलग ही लगाऊं, कहीं बहुत बड़ी सी कटिंग है। इस पर हम कुछ छोटी कटिंग लगा देते हैं। ये देखिए इस तरह की कटिंग लगा देते हैं ये वाली, तो ये अच्छे से चल जाएंगी हमारी कटिंग। और भी कुछ लगा देते हैं, एक इसको लगा देते हैं, ये भी अच्छा दिख रहा है। और कटिंग लगाने के बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी दे देंगे इस तरह से ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और बस इसको छाया में ही रखना है, बहुत तेज़ धूप में नहीं रखना है। धूप में भी रखेंगे तो चल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन छाया में रखेंगे तो पत्तों का जो कलर है वो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप कटिंग लगा सकते हैं इस समय और ढेर सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो अभी मेरा काम बहुत सारा फैला पड़ा है, आपको थोड़ा पास से दिखा देती हूँ किस तरह से मैंने सेटअप किया। इधर मैंने पूरा अडेनियम का सेटअप तैयार किया है, इसको थोड़ा न्यू पेपर बिछा करके, पॉलीथीन बिछा करके, और दूसरे मतलब जो यहाँ पे पहले मैंने रखा था उसको हटा कर, क्योंकि वो थोड़ा शेप में नहीं था, ऊपर नीचे था, छोटा बड़ा था तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसको मैंने देखिए बराबर से ला करके रखा है। कूलर के नीचे दो स्टैंड रखे हुए हैं, उसके ऊपर मैंने ये वाला सेटअप तैयार किया है। उसके बाद ये वाली जो हाइट आप देख रहे हैं, मैं वैसे बाद में आपको क्लियर दिखाऊंगी, अभी तो मैं कोलियस की कटिंग लगा रही थी तो बहुत सारे प्लांट मेरे डिस्टर्ब हुए इधर उधर, बहुत सारा पूरा कचरा फैला हुआ। देखिए ईंट पत्थर टुकड़े जो भी मिलते थे उनके ऊपर मैं पौधे रखती रहती थी। तो इस तरह से ये सेटअप तैयार हो गया। तो अब इसके आगे मैं इधर नहीं रखूँगी क्योंकि पूरा रास्ता जाम हो जाता है और उनको दिक्कत होती है आने जाने में, तो गुस्सा होते हैं मेरे ऊपर फिर। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इसके आगे इधर नहीं बढ़ाऊँगी, नहीं तो मैं यहाँ तक प्लांट रखती थी एक लाइन और यहाँ से रखती थी, तो बस थोड़ा सा निकलने बस को रास्ता यहाँ से बचता था। तो मैंने सोचा यहाँ से हटा दूँगी, और ये कोलियस वोलियस जितने भी बहुत सारे प्लांट लगे हुए तो उनको मैं सबको हटा दूँगी, बहुत सारे नहीं रखूँगी। अब जो अच्छे हैं हेल्दी सुंदर से प्लांट है उन्हीं को रखूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक का सेटअप, और जब पूरा बन जाएगा तो मैं अच्छे से आपको दिखाऊंगी फिर। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।